मध्य प्रदेश के मंडला जिला अंतर्गत नैनपुर नगर पालिका CMO रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। ठेकेदार से बिल पास करने मांगी थी रिश्वत। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने मंडला जिले के नैनपुर नगर पालिका परिषद में पदस्थ CMO को 15,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए गुरुवार दोपहर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नगर पालिका CMO हाईकोर्ट के किसी काम से जबलपुर आए थे और उन्होंने यहीं पर आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बुला लिया था। हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर जैसे ही CMO ने रिश्वत के 15,000 रूपये लिए, तभी लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक CMO ने मंडला जिले के नैनपुर में रहने वाले ठेकेदार राजेंद्र सिंह ठाकुर से उनकी अमानत राशि और रुके हुए बिल को जारी करवाने के लिए एवज में रिश्वत मांगी थी। जबलपुर लोकायुक्त DSP दिलीप झरबड़े ने बताया कि नैनपुर में रहने वाले ठेकेदार राजेंद्र सिंह ठाकुर ने नगर पालिका नैनपुर के अंतर्गत CC रोड और नाली निर्माण किया था। इस पूरे काम के एवज में राजेंद्र सिंह ठाकुर के तकरीबन 1.5 लाख रूपये के बिल रुके थे। इसके अलावा उन्होंने अमानत राशि जो कि 1.5 लाख की थी वह भी जमा की थी। दोनों ही राशि को निकलवाने के एवज में नगर पालिका CMO राजाराम ने 15,000 रूपये रिश्वत की मांग आवेदक से की थी। CMO गुरुवार को हाईकोर्ट के काम से नैनपुर से जबलपुर आए हुए थे। इस दौरान ठेकेदार राजेंद्र सिंह ठाकुर भी जबलपुर में थे। CMO ने राजेंद्र सिंह ठाकुर को फोन लगाकर हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर रिश्वत के रुपए लेकर बुलाया था। शुक्रवार की दोपहर जैसे ही राजेंद्र सिंह ठाकुर ने CMO राजाराम को रिश्वत के 15,000 रूपये दिए, तभी लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद लोकायुक्त पुलिस सर्किट हाउस 2 में लेकर आई है, जहां पर की कार्यवाही जारी है। जी बताइए, मैं नैनपुर नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया के द्वारा के तहत मेरे द्वारा निर्माण कार्य किए गए थे। निर्माण कार्य का अंतिम देख बिल तैयार करने के लिए CMO साहब के द्वारा लगातार मुझसे पैसा मांगा जा रहा था। मैंने लगातार एक बार दो बार नहीं तीन बार इनको मेरे द्वारा 10,000 रुपये दिए गए, उनके द्वारा वापस कर दिया गया। चौथी बार उन्होंने कहा कि 13,000 रुपये लगेंगे, मैंने उनको 13,000 रुपये दिया। अभी फिर मुझे वापस कर दिया उन्हें, क्योंकि उनकी डिमांड शायद ज़्यादा थी। उसके बाद उन्होंने 3 अगस्त को मुझसे ये कहा कि आप 15,000 रुपये दें, हम आपका अंतिम देयक बिल तैयार कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने लोकायुक्त की शरण ली और आज मैंने हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 में उनको ला करके, उन्होंने कहा कि मुझे हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 में मैं खड़ा हूँ गाड़ी से, आप यहाँ आ जाइए, मुझे पैसा दे दीजिए। मैंने उनको 15,000 रुपये देते हुए उनको रंगे हाथ पकड़ाया। कितने पैसों की मांग की गई? 15,000 रुपये। कितने का बिल था? पहले बिल मेरा 3,000 रुपये का। क्या नाम आपका? नाम राजन सिंह ठाकुर। आप भी हमारे फरियादी हैं राजेन सिंह ठाकुर, ये नैनपुर के निवासी है, ठेकेदारी का भी काम करते हैं। इनके द्वारा नगर परिषद में नैनपुर में RCC नाली, रंगमंच और विद्युत फिटिंग का काम किया गया था, जिसके लगभग 3 से 4 लाख रुपए के बिल पेंडिंग है, जिनको निकालने के एवज में वहाँ पदस्थ हैं श्री राजाराम वर्ठे, ये CMO नैनपुर है, इनके द्वारा 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने इन्हें 15,000 रुपये रिश्वत के कब्जे इनके कब्जे से 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। कहाँ से पकड़ा जा रही है इनको? हम लोग को पकड़े हैं हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 के सामने रोड से।